हेलो वेलकम टू मैग्नेट ड्रेन आई एम एन रेंज योर आई जी के दैट इज़ इंटरनेशनल जीके के ट्रेनर फॉर क्लास नाइन्थ एंड आज जो हम करने वाले हैं हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सिलेबस के साथ ओवरव्यू हम पहले कर चुके हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट एंड एनिमल्स के साथ पर पहले लेट्स सी वट वी अर गा स्टार्ट विद प्लांट्स एंड एनिमल्स अब हम पहले ये समझ लें कि प्लांट एंड एनिमल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ओवरऑल किस सब्जेक्ट में डील कर रहे हैं हम डील कर रहे हैं साइंस में ऑब्वियसली और साइंस की भी किस ब्रांच में बायोलॉजी में विच वी कॉल एट बायो राइट और ये बायो जो है विच वी नो इज अ साइंस ऑफ लाइफ एंड लाइफ फॉर्म्स एंड ब्रॉडली स्पीकिंग उसको हम दो में क्लासीफाई करते हैं जब हम उसको आगे चल के आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो अभी तो सी आर इन नाइन्थ ग्रेड राइट तो आप अभी साइंस को कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो पर बायो में भी आगे चल के जब आप स्पेशलाइजेशन के फील्ड में जाते हैं तो उसके दो ब्रांचेस होते हैं और भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं मोटे मोटे तौर पे हम डिसाइड कर रहे हैं डिस्कशन uh, कर रहे हैं विच इज़ बॉटनी विच इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम एंड जोलॉजी विच इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल वर्ल्ड तो अब जब हमने ओवरव्यू किया था तो हमें मालूम है कि हमें प्लांट और एनिमल दोनों पढ़ने हैं राइट right? अब हम दोनों तो एक साथ पढ़ नहीं सकते सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज हम प्लांट किंगडम से स्टार्ट कर रहे हैं So, हम सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं विच इज प्लांट सो नाउ कमिंग बैक टू इट जब हम इसके एक ओवरव्यू की बात करते हैं तो एक बोटानिस्ट हुए हैं सॉरी जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिए थे किंगडम्स के जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने किंगडम्स में डिवाइड किया था और उन्होंने कैटेगराइज किए थे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन बहुत सारे उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन पर बेस करके उन्होंने उनको पाँच किंगडम्स में डिवाइड किया था जो कि उनके सेल्युलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, पे था कुछ उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनका कैसा है बॉडी के एनाटमी उनकी कैसी है उस पर डिपेंड करता था कुछ उनके रिप्रोडक्टिव जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स थे उन पर डिपेंड करता था तो उन्होंने मोटे मोटे तौर पर पांच क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया था लिविंग ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिजम्स को जो कि हम किंगडम्स पे बोलते हैं सो so, इनका नाम क्या है मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाए कई लोग फंगी भी बोलते हैं कई लोग फंजाए बोलते हैं अगेन इट इज इन अमेरिकन ब्रिटिश थिंग सो फंजाई प्लांटे एंड एनिमेलिया तो आज जो हम डील करने वाले हैं जैसे कि मैंने कहा कि हम प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं तो वॉट वी आर गोइंग टू डील विथ इज प्लांट किंगडम और किंगडम प्लांटे ओके, ओके, प्लांट्स क्या होते हैं ऑब्वियसली हमारे घर में लगे होते हैं हमने देखे होते हैं सड़कों पे लगे होते हैं हर जगह लगे होते हैं अफकोर्स वी नो दैट इट इज एसेंशियल टू यू नो टू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ लेकिन उनके हम डिवीज़न कैसे करते हैं श्रब्स भी होते हैं बेल होती हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं पेड़ होते हैं यू नो अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं उनके जो हमने देखे होते हैं पर अगर हम उनको एक ले मैन की लैंग्वेज में हम देखते हैं तो हम उनको किस तरह से कहते हैं प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिस पर फूल लगते हैं और जिन पर फूल नहीं लगते हैं राइट right? उसमें से जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से हो गए रोजेज हो गए लिलीज हो गए ऑर्किड्स हो गए या इनफैक्ट बहुत सारे ट्रीज हो गए काफ़ी सारे ट्रीज हम फूल देखते हैं ना फल आने से पहले उनमें फूल आते हैं वो उसका एग्जाम्पल हो गए अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हो गए मोजेज एंड फर्न्स राइट मोजेज आपने देखे हैं जिसको हम कहते हैं कि मोजेज एंड फर्न्स उसमें प्लांट uh, कोई फ्रूट नहीं लगता कोई यू uh, नो you know, कोई फ्लावर नहीं होता वो तो अपने आप में ही दैट इज अ कैटेगरी ऑफ नॉन फ्लावरिंग ओके टू अंडरस्टैंड इट बेटर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इनके ब्रॉड क्लासीफिकेशन जो कि फॉलोइंग कैटेगरी में होते हैं एल्गी होते हैं एल्गी जो होते हैं वो ज़्यादातर इक्वेटिक होते हैं राइट right? और फंजाई होता है फंजाए कई लोग फंगी भी बोलते हैं इसको लाइकन्स होते हैं जो कि सिम्बियोटिक पार्टनरशिप होती हैं बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच इज़ फंगा एंड फंगस एंड एल्गा मोजेस uh, होते हैं फर्ंस होते हैं कॉनिफर्स होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म्स होते हैं एंड फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं राइट right? इसके अलावा अब हम वर्क करते हैं प्लांट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स पे अब हमें जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि प्लांट किंगडम के अंदर सारे uh, जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं वो सब कुछ इसी के अंदर आ जाते हैं चाहे वो मोजेस हों फर्ंस हों श्रब्स हों ट्रीज हों एवरी थिंग फॉल्स अंडर प्लांट किंगडम ओके अब ये ये इनके और भी कुछ स्पेसिफिकेशंस रहते हैं बहुत सारे रहते हैं ये यूक्योटिक्स रहते हैं मतलब इनके जो न्यूक्लियस एनवलप है उसके अंदर ही इनके न्यूक्लियस सेल्स जो रहते हैं वो, वो रहते हैं मल्टी सेल्युलर रहते हैं ऑटोट्रॉफिक रहते हैं ऑटोट्रॉफिक मतलब हम आगे पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि वो अपने लिए खुद ही अपना जो खाना है जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं इसलिए हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं उनको उनमें रिजिट सेल वॉल्स होती हैं प्लांट सेल्स की प्लांट्स में जो पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट वो होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगेन हम आगे पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं पर हमें ये समझना है कि वो किस पिगमेंट की वजह से होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है इसके अलावा वो नॉन मोटाइल होते हैं अपनी जगह से चलते नहीं है अफकोर्स एक्सेप्शन आर देयर जैसे कि एक प्लांट uh, है जो कि रेन फॉरेस्ट में माया जाता है सेंट्रल अमेरिका की इफ़ यू हैव नोन उसको कैशनोवा बोलते हैं जो कि वॉकिंग पाम भी कहते हैं यू नो दैट दैट एक्चुअली मूव्स तो एक्सेप्शन आर देयर बट जनरली पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलते सो दे आर नॉन मोटाइल वो अपना खुद का खाना बनाते हैं जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं हैं सेक्सुअली या फिर एसेक्शुअली करते हैं जैसे कि हम पोलिनेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे आगे उसमें हमें पता चलेगा कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू भी होता है उनका रिप्रोडक्शन दे हैव डिफरेंट ऑर्गेन होते हैं उनके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन्स के ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स के ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है वैसे प्लांट्स के भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग 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 काम करते हैं उसमें रिप्रोडक्शन के लिए अलग ऑर्गन्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए अलग होते हैं दिस इज हाउ दे वर्क सो दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स राइट सो दे हैव हैवमोस्ट द सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकेज एंड सिमिलर काइंड ऑफ डिविजन एज इन एनिमल एनिमल किंगडम बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि ऑब्वियसलीट्स अ डिफरेंट किंगडम ऑल टुगेदर सो so, uh, ये हमने एक बेसिक पढ़ा जो कि हमने एनिमल सॉरी प्लांट किंगडम के ऊपर पढ़ा है इसमें हम आगे जाके एनिमल किंगडम्स के ऊपर भी पढ़ेंगे और अभी प्लांट किंगडम के भी हम अलग अलग प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं जो कि फोटोसिंथेसिस होगा पोलिनेशन होगा जर्मिनेशन होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो यू हैव टू स्टे विथ मी एंड इन मैगनेट ड्रेज दिस इज अ हंड्रेड परसेंट फ्री चैनल वी विल बी रीडिंग एंड वील बी गिव बी यू नो गोइंग थ्रू द कंसेप्ट वन बाई वन ईच डे जिस तरह से हम उस पर प्रोसेस करेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एंड वैसे वैसे आपको वो चीज़ कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा नाउ दिस इज इट थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग बैक